और तो शेर देखे साहब कि नीट पियोगे मर जाओगे, नीट पियोगे मर जाओगे, वाह, नीट पियोगे मर जाओगे, थोड़ा पानी डालो भाई, थोड़ा पानी डालो भाई, वाह क्या बात है। हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पश्चिम लिटकास्ट के इस स्पेशल सीरीज में, जहां पर हम सीख रहे हैं गजलें। 6 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, ये हमारा 7वां एपिसोड है। अगर आप सडनली इस एपिसोड पे लैंड किए हुए हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि पुराने जो हमारे 6 एपिसोड्स हैं उनको आप पहले देख लें, फिर आप यहां पर आएँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, और हमारे उस्ताद अंबर खरबंदा जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। अंबर जी, आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या है आज के करिकुलम में? आज क्या जो करिकुलम है उसमें एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसको कहते हैं हज़ल। बहुत से लोग इसे हज़ल कहते हैं, गजल भी चल जाता है लेकिन इसका सही नाम हज़ल है। गजल के वजन पर हज़ल कह दिया जाता है लेकिन हज़ल है। ये मज़ेदार टॉपिक इसलिए है कि ये गजल की एक ऐसी फॉर्म है कि इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सब्जेक्ट वाइज कह रहा हूँ, ये खास तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप किसी लुगत में, लुगत यानी लुगत लफ्ज शायद नया है आपके लिए, लुगत? जी जी, लुगत मेरे लिए बिल्कुल नया है। अच्छा, तो इसमें तो आपके अच्छा, लिए नया है तो सुनने वालों के लिए, बहुतों के लिए नया होगा। लुगत या लुगात जो है डिक्शनरी को कहते हैं, डिक्शनरी। तो अगर हम लुगत में देखेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि बकवास, बेहूदा बात, फालतू बात, ऐसे लिखा होता है वो नज़्म जिसमें फालतू बात हो। लेकिन मैं इसे नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि गजल के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कवानीन हैं, जो भी उसका ग्रामर है वो सारा फॉलो करना पड़ता है। रदीफ भी, काफिया भी, बहर भी, अरकान भी, रब्त भी, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है टूवर्ड्स सटायर, सटायर कह सकते हैं इसे आप हज़ल। तो एक तरफ तो मजाहिया पोएट्री में मजाहिया कह सकते हैं, जी हाँ मजाहिया कह सकते हैं। तो एक तरफ तो इसको उनकी बात भी सही मान लें कि वो, क्योंकि गजल एक संजीदा चीज है, बहुत ज्यादा संजीदा है, उसकी नजाकत, उसकी नफासत सब जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई इसे कहे कि ये बकवास है तो चलिए कुछ हद तक उनकी भी बात मान लेते हैं। लेकिन मैंने आपको दूसरा पहलू भी इसका बताया कि इसमें गजल के जितने भी रूल्स हैं, गजल का जो भी फॉर्मेट है पूरा का पूरा वैसा का वैसा फॉलो किया जाता है। अब रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आज मैं आपके लिए 2-4 हज़लें लेके आया हूँ। दो मेरी भी हज़ल है और मेरे दोस्तों की भी है, बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि देखिए, सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, हज़ल का, हज़ल मैं शुरू कर रहा हूं, और मतला मक्ता इसमें सब कुछ होता है जी। कल पर बात न टालो भाई, कल पर बात न टालो भाई, जो करना कर डालो भाई, कर डालो भाई, कल पर बात न टालो भाई, जो करना कर डालो भाई। ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ पी लो कुछ खा लो भाई, खा लो भाई, वाह, कुछ पी लो कुछ खा लो भाई। देखिए इसमें डालो टालो खा लो सारे काफिया आ रहा है जी। और भाई इसमें रदीफ आ रही है, रूल्स तो पूरे हैं। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ पी लो कुछ खा लो भाई, क्यों जाते हो कोर्ट कचहरी, क्यों जाते हो कोर्ट कचहरी, बात यही निपटा लो भाई, ये बात यही निपटा लो भाई, वाह, बात यही निपटा लो भाई, चलो भाई। और शेर देखे साहब के, तुकबंदी करते रहते हो, तुकबंदी
करते रहते हो, कोई शेर निकालो भाई, कोई शेर निकालो। अरे वाह वाह, तुकबंदी करते रहते हो, क्या सटायर है, तुकबंदी इसको करते कौन रहते बकवास हो, बोलेगा कोई शेर निकालो भाई, क्या बात है, और तो शेर देखे साहब के, नीट पियोगे मर जाओगे, नीट पियोगे मर जाओगे, वाह, नीट पियोगे मर जाओगे, थोड़ा पानी डालो भाई, थोड़ा पानी डालो भाई, वाह पानी क्या डालो बात है, भाई, नीट पियोगे मर जाओगे। और देखिए शेर के सब माशूक नजर आते हैं, सब माशूक नजर आते हैं, सब एक माशूक चश्मा नजर बनवा आते लो हैं, भाई, एक चश्मा बनवा लो भाई, वाह हैं सब माशूक नजर आते हैं, तो दृष्टि दोष है ना आपका, जी, सब माशूक नजर आते हैं, एक चश्मा बनवा लो भाई। और हासिले गजल शेर आपको अच्छा लगेगा, जी सच्चा शेर सुना रहा हूं कि चैन तभी आएगा तुमको, चैन चैन तभी आएगा, तभी तभी आएगा, आएगा खुजला तुमको, खुजली है खुजला लो भाई। लो भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सच्चा मजेदार, शेर लगा आपको ये? बिल्कुल सच्चा चैन शेर है, बिल्कुल सच्चा शेर है, और चैन सामने का तभी है, शेर भी है, सामने का सामने शेर का, भी है बिल्कुल सामने का शेर है। जी सामने के तो सारे शेर हैं, क्योंकि भाई जी की बात आ भाई, गई ना इसमें, हाँ रजीफ हाँ ऐसी आ गई, हाँ लेकिन ये जी तो खास तौर पर है कि चैन तभी आएगा तुमको, खुजली है खुजला खुजली है, लो भाई, खुजला लो भाई जी, सच को हरदम सच कहते हो, सच को हरदम सच कहते हो, आखिरी अच्छा शेर है, सच को हरदम सच कहते हो, ऐसा रोग न पालो भाई, ऐसा रोग न पालो भाई, न वाह पालो भाई, सच को हरदम सच कहते हो, कहते हो ऐसा भाई रोग न पालो भाई। और मक्ता, जी मक्ता इस गजल का कि जी जाने सर, क्या क्या बक देता है, हाँ जाने क्या क्या बक देता है, अंबर को समझा लो समझा भाई, दो भाई, बहुत बढ़िया, अंबर को समझा लो भाई, जाने क्या क्या बक देता है, अंबर को समझा लो भाई, कल पर बात न टालो भाई, जो करना कर डालो। तो ये है साहब हज़्ल। दूसरी एक हज़्ल पे आता हूं मैं, जब दो तीन सुना लूंगा जो। जी, आप कहिए, आप कुछ मैं कह रहे थे। ये इतनी अच्छी एजुकेशन है मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक लखनऊ के बड़े पुराने, अब तो शायद नहीं रहे, शायर थे, नाम मुझे उनका शाह से नाम था उनका, अभी याद आ जाएगा, उनकी जी एक जी बड़ी अच्छी है, वो शायद वो हज़ल है, और वो बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है, वो अवधी में लिखते थे, जी जी अब मुझे समझ में आ रहा है, देखिए ये होती है बात एजुकेशन की, मैं इतना, मुझे वो उतनी पसंद है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी सारी इतनी हज़लें मैंने सुनी हुई हैं, और जी मैं उनको कैटेगराइज ही नहीं कर पाता था कि ये क्या चीज़ है, जी मजाक वो शायरी, जब मजाक जब शायरी हमने जब हमने मनीष इस प्रोग्राम को शुरू किया था, जी तो हमने इनकी बात पे एम्फेसाइज किया था कि जी हम सुनते हैं लेकिन हम इस बात का तमीज नहीं कर पाते। तमीज मैंने आपको बताया था कोई बुरा शब्द नहीं है, जी जी तमीज बना है इम्तियाज से, इम्तियाज इम्तियाज यानी डिफरेंशिएट करना, है जी ना, ऐसे तो नेगेटिव सेंस में तो कह देते हैं उसको तमीज नहीं है, लेकिन नहीं हम उर्दू में जब हम बोलते हैं तो उसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोलते। तो क्या है कि हमने पहले कहा था कि कुछ लोग इस बात की तमीज नहीं कर पाते, इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये गजल है या गीत है या नज्म है, नहीं हमने पहले कहा था। तो सारी बात है फॉर्मेट की। अभी आपने जो हज़्ल सुनी है इसमें आपने देखा पूरे रूल्स फॉलो हुए हैं, जी लतीफ एब्सोल्युटली है, काफिया है, बहर है, सब्जेक्ट वाइज आप कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी अगर आप थोड़ी डिसेंसी से कहें, डिसेंसी से कहें, तो कोई बुरी बात इसमें नहीं है। नहीं ये नहीं और बात है कि हज़्ल कहने वाले कई शायर हैं, वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो वो थोड़ी कच्ची ज़बान और कच्चे हल्के सब्जेक्ट ले आते हल्के हैं, सब्जेक्ट ले है आते ना, हैं, नहीं ये बड़ा अच्छा तो वो सटायर नहीं, था, ये बहुत ही अच्छा सटायर था, बहुत मुझे अच्छा। तो लगता है जी कि इस पूरी हज़ल में कहीं पे भी कोई भी एक शेर हल्का था, मुझे मुझे तो पर्सनली नहीं, लगता है, इवन जो आपने नीट वाला जो आपका शेर था, नीट पियोगे मर जाओगे, पियोगे मर जाओगे, बहुत थोड़ा ही, थोड़ा पानी डालो भाई, पानी डालो भाई, मतलब इतना इतना खुजली है खुजला लो भाई, डालो भाई, बहुत और बहुत ही, चैन, हाँ मतलब उसमें जो सटायर है बहुत ही अप फ्रंट है सटायर, क्योंकि
जो मजाक है उसमें, जो मजाहिया उसका एलिमेंट है वो बहुत ही सटल है उसमें। इसमें कहीं से भी मुझे किसी भी तरीके से ये बिलो द बेल्ट या कहीं भी किसी भी तरीके से मुझे ये जी जो आपने लुगत में जो उसको उसको एक्सप्लेन किया अच्छा गया है, मुझे नहीं जी, लगता कि हाँ कि ये बकवास कहीं से भी। नहीं वो देखिए, गजल हमेशा से एक संजीदा चीज रही है, उसकी नजाकत नफासत आप जानते ही हैं, जी शायद उसके कंपैरिजन में ऐसा कह दिया जाता होगा, शायद इसलिए लेकिन उसको हजल ये बोल भी दिया। हाँ, लेकिन लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हजल गोई भी हर एक का काम जी होगा, ऐसा भी नहीं या है, तो ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं तो बहुत देखिए, अब मतलब मैं एक हजल और अपनी सुनाता हूँ, जी और उसके बाद मैं अपने एक दो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको पढ़ाऊंगा मैं। मैं मतलब देखिए कि मैं जिस राह से जाता हूँ जी उस राह में क्या क्या पड़ता है। मैं जिस राह से पहला जाता मिसरा हूँ। सुन के, जी पहला मिसरा सुन के आपको लगेगा कि मैं जी बहुत संजीदा बात कहने वाला हूँ, जी बिल्कुल गजल का मिसरा लग रहा है, जी जी हजल का नहीं लग रहा, बिल्कुल सुनिएगा। अब दूसरा मिसरा सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मेरा मतलब। मैं जिस राह से जाता हूँ उस राह में क्या क्या पड़ता है, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक दारू का ठेका ठेका पड़ता पड़ता है। है। वाह जाहिर जी बहुत है, कहाँ रुकेगा आदमी, बहुत उम्दा मंदिर बहुत में उम्दा रुकेगा कि मस्जिद में रुकेगा या बहुत कहाँ उम्दा रुकेगा आप जानते हैं। मैं जिस राह से जाता हूँ उस राह में क्या क्या पड़ता है, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक दारू का ठेका पड़ता है, और घर से निकलो दांत गिनो, घर से निकलो दांत घर से निकलो दांत दांत गिनो, वापस आकर फिर दांत गिनो, वापस आकर फिर घर दांत से, हाँ, गिनो घर से निकलो दांत गिनो गिनो, वापस वापस आकर आकर फिर फिर दांत दांत गिनो, 60 बरस में इश्क मियां क्या इतना सस्ता पड़ता अरे क्या बात क्या बात। है। तो ये यहाँ पे मेरा एक सारी अंबर की आप बीती है जो आप जी सुन रहे जी हैं, अरे क्या बात अंबर की आप बीती अरे है। जी शायर मैं एक अब इस बात मजाक की चल रही है तो उसमें मैं आपको एक बोल देता हूं कि हाँ बिल्कुल 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 लोग कहिए। बोलते हैं कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि शायर और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं, ये हमेशा जवान रहता है। तो वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में था। एक चीज जो मैंने आपके मतले में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैं हो सकता है आज मैं आपको बहुत टोकने वाला हूं क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा बिल्कुल 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 वो बिल्कुल मतले बिल्कुल में आप यू कैन शूट इट डाउन इमीडिएटली इफ यू थिंक इट इज नॉट करेक्ट। अगर दारू क्या ठेका की बजाय हम मैखाना कर देते तो क्या ये गजल का मतलब होता? नहीं ये तब भी हजल होती। नहीं मैं खाना होता, मैं खाना करते हैं, पढ़ सकता था, लेकिन दारू शब्द हटाना पड़ेगा। मैं खाना तो कर सकते हैं, नहीं अगर अगर लेकिन फिर दारू का ठेका की बजाय सपोज कि कोई अगर उसका एक हम हाँ तो वो गजल का मतलब हो सकता था अगर वो हम दारू का ठेका चेंज करते। हो सकता था, लेकिन फिर पहले मिसरे में आप काफी का भी निभा कर रहे हैं ना, हाँ क्या 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 पड़ता क्या है, पड़ता है तो क्या वहां पड़ता ठेका है, ठेका पड़ता है, पड़ता है ये उसमें। अलिफ हाँ आ की जो मात्रा आ रही है जी इसका भी। आगे चलते हैं हम कि घर से निकलो दांत गिनो, वापस आकर फिर दांत गिनो, 60 बरस में इश्क मियां क्या इतना सस्ता पड़ता है, इस दुनिया में जीना है तो दुनियादार बनो प्यारे, इस दुनिया में जीना है तो इस दुनिया में दुनियादार जीना है तो तो दुनियादार दुनियादार बनो प्यारे, वक्त पड़े तो डंकी को भी घोड़ा कहना घोड़ा पड़ता कहना पड़ता है डंकी को भी घोड़ा। देखिए है। आपने आप यहाँ पे देखिए, गधा नहीं देखिए बोला मनीष जी, गधा बहर इसलिए नहीं बोला कि गधा बहर में नहीं आ में रहा, नहीं आ रहा बिल्कुल 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 बहर में नहीं आ रहा, जी जी बहर पूरी, मैं वही कह रहा था जी कि रूल्स तो हमें सारे फॉलो करने जी पड़ेंगे, जी गधा कह दूंगा, वक्त पड़े तो गधे को भी घोड़ा, तो बहर में नहीं आ रहा, जी बहर में मीटर में लाने के लिए मैंने गुड इसको डंकी गधा ना कह के बहुत डंकी अच्छे लाना, बहुत और बहुत मजा उम्दा भी दे रहा बहुत उम्दा बहुत मजेदार है। इस दुनिया में जीना है तो दुनियादार बनो प्यारे, वक्त पड़े तो डंकी डंकी को डंकी भी घोड़ा घोड़ा कहना कहना पड़ता पड़ता है, और रात गए घर पहुंचो तो बीवी की मार से बचने को, है रात रात गए तो घर गए पहुंचो घर पहुंचो तो बीवी की मार से बचने को, बचने को सच्चा हो या झूठा कोई किस्सा गढ़ना किस्सा पड़ता करना पड़ता है। वाह बहुत ही सही बहुत ही सही बहुत ही है। उम्दा
रात गए घर पहुंचो तो बीवी की मार से बचने को झूठा हो सच्चा हो या झूठा कोई किस्सा गढ़ना पड़ता है। और ये एक और सच्चा शेर सुनिए, आज सुनैना जी को हम मिस कर रहे हैं, वो बाद में सुन लेंगे शायद इसे, लेकिन वो बिल्कुल सामने होती हैं तो कुछ और एक रंग आती है। शेर सुने कि घर में बीवी को जी, शेर सुनिए और शेर की टेक्निक देखिए। घर में बीवी को, दफ्तर में अफसर को, हर रोज हमें घर में बीवी को, दफ्तर में अफसर को, रोज हमें जी, घर में बीवी को, दफ्तर में अफसर को, घर में बीवी को, दफ्तर में अफसर को, हर रोज हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना पड़ा। अरे क्या जबरदस्त जबरदस्त शेर है, जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त शेर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घर में बीवी को, दफ्तर में अफसर को, हर रोज हमें हाँ जी 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 कहना पड़ता है। बहुत जबरदस्त। और इसमें जस्ट बहुत संजीदा शेर आ गया अचानक, वो हज़्र का शेर नहीं है लेकिन अचानक आ गया इसी काफी रदीफ में, तो मैं सुना देता हूँ। संजीदा शेर है और खास तौर से आपको काफिया पसंद आएगा इसका। देखिए दोस्त काफिया क्या आया इसमें, तुम क्या जानो ये गजलें हमको यूं ही मिल जाती हैं, तुम क्या जानो हमको ये गजलें यूं ही मिल जाती हैं, तुम क्या जानो ये गजलें हमको यूं ही मिल जाती हैं। रातों को उठ उठ कर यारो दर्द बिलोना पड़ता है। वाह वाह, इससे मुझे बहुत बहुत ही जबरदस्त शेर। अब सुनैना यहाँ पे नहीं है लेकिन अब मैं सुनैना के बिहाफ पे सुनैना का एक शेर मैं पढ़ देता हूँ। सुनैना का एक शेर है जी, वो पूरी कविता है, बाद में उसको सुनिधि चौहान ने उस गाने में भी गाया। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात, तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है। कि बिल्कुल बिल्कुल सच बात। तो रातों को तुम क्या जानो ये गजलें हमको यूं ही मिल जाती हैं, रातों को उठ उठ कर यारो दर्द बिलोना पड़ता है, मैं जिस राह से जाता हूँ उस राह में क्या क्या पड़ता है, एक मंदिर एक मस्जिद एक दारू का ठेका पड़ता है। और देखिए अगर कोई ये कहे कि हज़्र में हल्का मतलब सटायर होता है, मजाहिया कलाम होता है, तो हम रूस से भी बगावत कर लें, रूस में भी रिलैक्सेशन ले लें, ये नहीं हो सकता। ग्रामर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी, वही गजल का ही गजल की बहन समझ लीजिए। अब मैं आपको एक अच्छा ये वाली गजल ना आप इसको इसकी फोटो खींच के आपकी किताब, मुझे लग रहा है आप शायद अपनी किताब से पढ़ रहे हैं। नहीं मैं किताबों में नहीं है, मैं किताबों में मेरी क्योंकि मेरी एक संजीदा शायर की इमेज है, हालांकि हो सकता है मैं नेक्स्ट की किताब में दे भी दूं, अब तक की किताबों में मैंने गजलें नहीं दी हैं। आपकी राय होगी अगर इस गजल को सुनने के बाद अगर आपकी राय होगी तो फिर मैं अपने दोस्तों के दो चार शेर सुनाऊंगा आपको। देखिए ये भी बड़ी मजेदार है, क्यों ये तेवर आपके सरकार टाइट हो गए, क्यों ये तेवर आपके सरकार टाइट हो गए, वाह लाइट हो गए, लेफ्ट हम चलने लगे राइट तो हो गए, वाह ये भी टेक्निक है, इसमें रूल्स भी पूरे हैं वही। आपने एक बात बोली थी पहले एपिसोड में, अगेन मैं आपको, आपने पहले एपिसोड में एक बात बोली थी कि जो मतला है जो पहले दूसरे शेर होते हैं उसमें दाद नहीं दी जाती, वो एक एक उसके जो एक जो उसका कहना चाहिए जो रवायत है मुशायरे की, लेकिन मैं अपने आपको रोक ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। नहीं कई बार वो पहला वैसे देखिए दोनों मिसरे मिलके कंप्लीट शेर बनता है, लेकिन कई बार पहला मिसरा ही इतना मतलब वो कर देता है कि आपके मुंह से वहां निकल जाती है। तो क्यों ये तेवर आपके सरकार टाइट हो गए, लेफ्ट हम चलने लगे तो आप राइट हो गए, और आंख के कोने से हमको आपने देखा था, आंख के कोने से हमको आपने देखा था जब
बस तभी से वसल के इम्कान ब्राइट हो वसल के गए, इम्कान ब्राइट हो गए, क्या बात है। मुझे ब्राइट हो मुझे गए, ये लफ्ज बस इतना तभी पसंद है से ना, वसल ये के। इम्कान लफ्ज इतना पसंद है, बहुत अच्छा आपने यूज किया है। वसल के इम्कान ब्राइट हो गए। और ये भी शेर सुनिएगा कि वो भी क्या दिन थे, कि दिन थे प्यार के इकरार के। मनुहार भी सकते हैं, मनुहार भी बहुत जी अच्छा शब्द है। वो भी क्या दिन थे, कि दिन थे प्यार के मनुहार के मनुहार के, बाद शादी के तो हम मसरूफ है भाई मसरूफे की फाइट, क्या जबरदस्त जबरदस्त हो मसरूफे गए। फाइट। और अगला शेर देखें कि दाल रोटी ने दिखाए हैं वो मंजर दाल दोस्तों, रोटी ने दिखाए हैं वो मंजर दाल दोस्तों, रोटी ने वो मंजर दोस्तों, जितने हैवी वेट थे लाइट वो हो गए। सारे लाइट अरे हो वाह, गए। मुझे अपने बचपन के जितने मुझे हैवी अपने वेट बचपन के थे दिन याद आते हैं। दोस्त। कानपुर में होली के टाइम पे हमारे मोहल्ले में गधा सम्मेलन होता था, हाँ, तो गधा गधा सम्मेलन सम्मेलन। में मजाहिया शायरी पूरी होती थी उस टाइम पे। और हमारे घर, क्योंकि हमारे मोहल्ले में पिताजी वगैरह काफी लोग सोशलाइज थे, तो बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते थे, तो उसमें अब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी शायरी होती थी जो एक्चुअली वो हजल उसको कह सकते हैं। वो लेकिन हाँ, मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि होली वगैरह में जरूरी नहीं है हर आदमी, हम होली के गीत भी लिखते हैं लेकिन हम डिसेंसी को नहीं तोड़ते, हल्की बात नहीं करते। ये जितनी हजलें आप सुन रहे हैं, हजलें आप जी सुन रहे हैं, इसमें आपको ये नहीं लगेगा, सब्जेक्ट ठीक है, अलग है, सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कच्ची मैं बात उसके करते लिए हैं एक या वर्ड यूज करता हूं, उसका पोएटिक क्वोशंट, उसकी कविताई, उसका कोचिंग। जो सही पोएटिक है, क्वोशंट है या सही। उसकी जो कविताई है, जो उसका जो जो वैल्यू है, शायराना वैल्यू, जो वेट है उसका, जो शायरी का वेट है, वो वेट हल्का नहीं है, शायरी का वेट वही है, उतनी ही भारी है, ये हल्की नहीं है। तो पोएटिक क्वोशंट इसका काफी हाई है। दो शेर और सुन लीजिए, फिर मैं एक और उस पर आता हूँ। देखिए, मैं भी सच्चा शेर सुनाता हूँ आज का, हालात हाजरा जिसको हम कहते हैं, जो अभी जो चल रहा है हिंदी में कहते हैं सामयिक सामयिक, जो अभी वक्त का शेर है कि एक दल को छोड़कर वो दूसरे में क्या घुसे, एक दल को छोड़कर वो दूसरे में क्या है। वो दूसरे में क्या घुसे, सारे काले व्हाइट हो कारनामे गए, उनके वाह वाइट जबरदस्त जबरदस्त। हैं। एक दल को छोड़कर वो दूसरे में क्या घुसे, सारे काले कारनामे उनके वाइट हो गए। और आखिरी शेर इस सिलसिले का सुना रहा हूँ, और इसका काफिया देंगे वो आपको चौंका देगा, ये मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, यकीनन चौंका देगा। जी सुनिए, हम समझते थे मना लेंगे उन्हें हम हम समझते थे हम प्यार मना से, लेंगे उन्हें प्यार से, वाह हम समझते थे मना उन्हें हम लेंगे प्यार से। उन्हें हम प्यार से, लेकिन अपने दिल के अरमान नेक्स्ट अरे तक वाह होते। जबरदस्त जिंदाबाद, हम जबरदस्त जबरदस्त। समझते थे मना लेंगे उन्हें हम प्यार से, लेकिन अपने दिल के अरमान नेक्स्ट नेक्स्ट लाइट हो गए। क्यों, ये पेपर आपके लाइट हो गए, सरकार टाइट हो गए, लेफ्ट हम चलने राइट हो लगे, गए, तो आप राइट हो गए। ये अभी जो सुनाया है ये मेरी बहुत अच्छा। गजलियात थी। मेरे एक और बहुत अजीज दोस्त हैं, और रहते हैं जी जयपुर में, नीरज जी गोस्वामी उनका नाम है, और अदब के लिए लिटरेचर के लिए जी बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। अपने खर्च पर किताबें छपवाते हैं, अपने खर्च पर तबसीरे करते हैं, और फिर अपने खर्च पर वो किताबें वाह लोगों को भेजते हैं, बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। सैकड़ों किताबों का उन्होंने अभी तक उस पर तबसरे कर चुके हैं। उनके जी दो तीन शेर सुनाता हूँ, देखिए मजा जी आएगा, भाषा में भी मजा आएगा। काहे को शर्माने का काहे को शर्माने का अपना हक अपना हक जतलाने का, जतलाने का, छोटी बहर का, छोटी बहर का, छोटी काहे बहर को का शेर, शर्माने का, छोटी बहर। हाँ जी, अपना हक जतलाने का। नीरज गोस्वामी कह रहे हैं, जीना मुश्किल है तो क्या, जीना मुश्किल है तो क्या, जीना मुश्किल है तो क्या, इस डर इस से डर से मर मर जाने जाने, का, वाह वाह जबरदस्त, मर जाने का, जीना मुश्किल है तो क्या, जाने इस का डर से मर जाने का,
और प्यार अगर लफड़ा है प्यार अगर तो, लफड़ा है तो प्यार अगर लफड़ा है तो लफड़े में पड़ जाने का। अरे लफड़े वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, प्यार लफड़े में अगर पड़ लफड़ा जाने है का, तो लफड़े में पड़ जाने का, और गर्दन ही तो गर्दन ही तो जाएगी, जाएगी जाएगी, गर्दन ही तो जाएगी, डर डर कर क्यों क्यों हकलाने अकलाने का, का, वाह क्यों हकलाए, गर्दन ही तो गर्दन जाएगी, क्यों डर कर क्यों अकलाने का, हकलाए, जमाने का, अपना लफड़ा हक जताने का। प्यार अगर लफड़े में लफड़ा पड़ है जाने तो का। इस लफड़े में पड़ जाने का। मैं उनके कुछ और शेर भी आपको जरूर सुनाता, लेकिन ये इंटरनेट की दिक्कत जो आई, बहुत देर से मैं इसको टैकल जी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको कॉपी नहीं कर पाया। नश्तर अमरोही सूफी साहब की एक जी गजल सुनाता हूँ मैं, नश्तर साहब अमरोहा के। बहुत गुजरा ना एक गुजरा ना एक साल साल, जी पता चल गया मुझे, गुजरा ना एक पता चल साल गया था, पता चल गया मुझे, बीवी है पता एक चल गया बवाल। बवाल, बवाल शब्द है, वबाल, लोग बवाल कह देते हैं, वबाल बवाल नहीं है, वबाल है। गुजरा ना एक साल पता चल गया मुझे, पता बीवी है एक बवाल चल गया पता चल गया मुझे। 40 की, 40 की उम्र थी मुझे, मुझे, 40 25 की की उम्र थी लगी, मुझे 25 की लगी, मुझे 40 की पच्चीस उम्र थी पता मुझे, 25 की लगी, मेकअप का था चल कमाल, पता चल गया गया, मुझे, वाह पता वाह चल गया मुझे, कमाल, मेकअप का था कमाल, पता पता चल चल गया गया मुझे, मुझे, तीन और लफ्जों की इसमें रिलीफ है, पता चल गया मुझे, वो वो मोतियों से मोतियों दांत। हाँ, ये लंबी रदीफ है, पता चल गया मुझे, से, एक दो तीन वाह चार लफ्ज इसमें। वो मोतियों से दांत, बाल वो लंबे लंबे सियाह सियाह बाल, बाल, वो मोतियों से दांत, वो लंबे सियाह बाल, नकली पता था चल गया, सारा क्या माल, बात पता है, चल गया मुझे, क्या बात नकली था सारा माल, पता चल गया मुझे। और आकर पुलिस जहेज का आकर सामान ले गई, पुलिस जहेज का सामान आकर पुलिस ले जहेज का सामान ले गई, किश्तों गई, किश्तों पे पे था था वो मान माल, लिया, पता चल गया मुझे, पता चल गया मुझे, गुजरा ना एक वबाल साल पता चल गया मुझे, बीवी है एक बवाल, बवाल पता चल गया मुझे। तो इसमें तो माल जो काफी आया ये वो दो बार यूज हुआ है, आज हाँ, वो हो जाता है, इसमें अशआर तो और भी बहुत हैं, और लेकिन ये है कि जी मुझे जो लगा कि मैं कम से कम आपके चैनल को ध्यान में रखते जी हुए इनको बिल्कुल चीज बिल्कुल, कर सकता हूँ, इसी से वो मैंने इसी से लिए हैं। अब चूंकि ये निकल आया, ये बात निकल आई मुंह से, तो मैं ये सोच रहा था कि अब चूंकि ये क्लास है, अब आप उस्ताद हैं, तो अगर ये क्या मान लीजिए कि काफ़िए की कमी पड़ रही है हमारे पास, हमको रियूज करने हैं, रिपीट करने हैं काफ़िए, और हमारी छः सात सात जी, शेरों की ये गज़ल है, तो इज इट रिकमेंडेड कि उनको थोड़ा सा गैप दे के यूज किया जाए, या वो शेर दो तीन शेर के बाद यूज किया जाए, लगातार ना यूज किया जाए। अभी जब लास्ट एपिसोड में या उससे जी पहले वाले एपिसोड में सुनैना ये सवाल उठा रही थी, और बिल्कुल उन्होंने अच्छा सवाल उठाया था, और मैंने उनको ये जवाब दिया था, और मैंने उस जवाबन एक जी काफिया गजल भी सुनाई थी अपनी, उसमें उसको हम कहते हैं काफिया तंग, काफिया तंग है, जब हमारे पास तंग, ज्यादा काफिये नहीं होते तो हम कहते हैं काफिया तंग है। तो उसमें मैंने आखिर में उसमें क्या था, जी जंग पतंग रंग, ये काफिये थे, उसके बाद मुझे काफिये मिले ही नहीं। तो मैंने उसमें मकता यूं कहा था कि अंबर गजल के शेर कहें आरजू तो है, फिर सोचते हैं इतना ना काफिया तंग इतना हो, ना तो तंग, आपने वही बात कह दी, आपने वही बात, हसरत के उड़ के जाऊं कहीं आसमां के पार, किस्मत के जैसे पतंग, पेड़ पे अटकी पतंग हो, ये उस गजल के अशआर थे, मैंने जी सुनाए जी थे जी उन्हें, सुना और मैंने, क्योंकि शायद बाद में एडिट किया था आप सब, उस वक्त जी कहीं नहीं पाए रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काफिया अगर तंग है, वैसे तो अगर आपके पास काफिये ज्यादा नहीं है और आप रिपीट कर रहे हैं, तो कभी कभी तो लगता है कि आप डिवाइड ऑफ दैट, मतलब आपके पास लिमिटेड वो कैपेबिलिटी आपकी लिमिटेड है, लेकिन कई बार वाकई जी ऐसा होता है कि काफिया तंग है, जी उसको रिपीट किया जाता है, रिपीट करने में बुराई नहीं है,
और अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक होती है यक काफिया गजल, देखिए हम गजल की बात कर रहे हैं कितने तरह की गजल होती है, एक होती है यक काफिया, उसमें सिर्फ एक काफिया होता है शुरू से आखिर तक, हर शेर में एक ही काफिया होता है, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता क्योंकि एक ही काफिया होगा तो आपको यह है कि गजल कहां से हुई, काफिया ही एक है, तो बड़ा मुश्किल है ये लिखना क्योंकि अगर आप सेम वो रदीफ ने मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम वो गजल निकाल के रखूंगा। या काफिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, भले ही हम एक ही एक दो ही गजल में बात करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक वो भी फॉर्म है, लोगों को पता लगना चाहिए। या काफिया में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे ये है, इन्होंने कहा कि पता चल गया मुझे, और अगर इन्होंने फिर कह दिया कि पता चल गया मुझे, तो पता जो है वो रदीफ का हिस्सा हो गया ना, पता चल गया मुझे, पता चल गया मुझे, तो ये तो रदीफ का हिस्सा हो गया, तो इसको यक काफिया कैसे बनाया जाएगा, ये भी एक टेक्निक का एक हिस्सा है, बड़ा मजेदार हिस्सा है वो भी, वो मैं गजल आपको सुनाऊंगा किसी वक्त, इस वक्त तो नहीं तलाश कर पाऊंगा, तो क्योंकि हम गजल की डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए वो भी मैं वहां भी आना चाहूंगा। तो आप जो बात कह रहे थे, कोशिश हमारी ये रहती है कि काफिया रिपीट ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा ख्याल आ रहा है और उसी काफिये में आ रहा है तो उसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, काफिया रिपीट करना। ये जरूर हो सकता है कि जैसे मान लिया घर का काफिया है, अगला शेर भी घर का आ रहा है, तो उसके बीच में एक शेर, जैसे अभी आपने कहा कि गैप दे दिया जाए, उसके बीच में एक शेर और डाल दिया जाए, दो डाल दिए जाए, तब ऐसा भी किया जाता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास अच्छा ख्याल है और काफिया रिलीट हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए जी, ख्याल को जाया नहीं करना चाहिए ये बात, और ख्याल के साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए कि साहब इस काफिये पर तो मैंने जरूर फिट करना ही करना है शेर में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये ऐसी चीज नहीं है। मेरे ख्याल से आज का एपिसोड तो बहुत ही इंटरटेनिंग था और मुझे तो बहुत मज़ा आया, और ये मैं सोच नहीं सकता हूँ कि जिन चीज़ों को मैं एक कलेक्टिवली मज़ाहिया शायरी समझता था वो एक्चुअली उसका वो हज़ल कहते हैं उसको, और वो गज़ल का ही एक दूसरा रूप है, एक और फॉर्म है। आज का एपिसोड मेरे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद आया होगा और आएगा, अभी तो हम एडिट में, तो इसको हम हज़ल भी, इसको आप हज़ल भी कह सकते हैं, इसको हज़ल भी बोल सकते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, हज़ल भी कह सकते हैं, क्यों, अलग अलग लुगत में, अलग अलग लुगत में इसको किसी कोई हज़ल बताता है, कोई हज़ल बताता है, हम तो इसे हज़ल बोलते हैं, जैसे हम खत्म बोलते हैं, लोग खत्म बोल रहे हैं, ऐसा चल जाता है, भाषा के कई रूप होते हैं, तो बुराई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा था कि अलग अलग, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी ये होती है कि मान लिया किसी ने दूसरी बात देखी और वो कहता है नहीं साहब उसमें तो अज़ल लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंड आवर एपिसोड, और ये जो सॉरी, तो ये जो एजुकेशन हम गजल राइटिंग में, या एक गजल किट से तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये हम, ये पूरा जो सीरीज होगी इसमें कई तरीके के जो क्रिएटिव राइटिंग है उर्दू की, उर्दू के अदब के, हिंदी के, फिर अंग्रेजी में भी आएंगे, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने वाला है कि कोई भी शख्स शुरुआत से, बहुत ही बेसिक से इन चीज़ों को सीख सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, जो शायद ही बहुत ही मुश्किल से आपको एक वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे, एक डिस्कशन के फॉर्म में मिलेंगे, एक क्लास के फॉर्म में मिलेंगे, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको एक तरफा टीचिंग मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके का इंटरेक्टिव जो सेशंस हैं, इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, मुझे तो नहीं मिले, और उसका जो उसके पीछे इस क्लास मास्टर क्लास को शुरू करने का फोर्स ही यही था कि ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज का एपिसोड हम यहाँ पे एंड करते हैं, और हमें आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं,
तो मैं मनीष श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेता हूँ। अंबर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि ये जो आप कर रहे हैं हमारे लिए, इससे ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बहुत हेल्प करने वाला है। तो शुक्रिया आपका, और फिर से मुलाकात होगी आप सब से, अंबर जी आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ और एक किसी नई विधा के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।